बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई वेलकम यू ऑल एंड आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आर डूइंग वेल। सो टुडेज वीडियो लेसन इज फॉर क्लास सिक्स, सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड टॉपिक इज कंपाउंड वर्ड। इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड द लेसन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, एंड इन द सेकेंड पार्ट we have already done the textual questions. Now in the third part we are in the third part, and we are in the language work. So the first topic of the language work is compound word. So before going into the detail, I would like to tell you what a compound word is. So dear students, when two words are joined together to make a new word, it's called a compound word. As under plus ground is equal to underground. प्यारे बच्चों, जब हम दो लफ्जों को जोड़ के एक नया लफ्ज बनाते हैं, उस नए लफ्ज को हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। जैसे कि अंडर एक अलग लफ्ज है और ग्राउंड एक अलग लफ्ज है। जब हम इन दोनों लफ्जों को जोड़ते हैं तो हमें एक नया लफ्ज मिलता है जिसे हम अंडरग्राउंड कहते हैं। तो ये जो नया लफ्ज हमें अंडरग्राउंड मिला, इसको हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। आप फिर से समझें, व्हेन टू वर्ड्स आर ज्वाइनड टुगेदर टू मेक अ न्यू वर्ड, इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड वर्ड। एज अंडर प्लस ग्राउंड इज इक्वल टू अंडरग्राउंड। जब दो लफ्जों को हम आपस में जोड़ के एक नया लफ्ज बनाते हैं, उसको हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। जैसे अंडर और ग्राउंड को हमने जोड़ के एक नया लफ्ज पाया अंडरग्राउंड, तो अंडरग्राउंड हमारे लिए कंपाउंड वर्ड हो गया। अब आप अपनी टेक्स्ट बुक पे देखें, पेज नंबर 33 पे आप जाएं, वहां पे एक क्वेश्चन है आपके लिए और मैंने वो बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। मेक कंपाउंड वर्ड्स बाय ज्वाइनिंग वर्ड्स इन ए एंड बी। दो कॉलम्स हैं हमारे पास, ए और कॉलम बी। हमें कॉलम ए को कॉलम बी के साथ जोड़ना है और एप्रोप्रिएट वर्ड उसके सामने लगाना है ताकि हमें एक कंपाउंड वर्ड मिल सके। तो पहले हम कॉलम ए का पहला वर्ड देखते हैं, क्या है? वॉकिंग, वॉकिंग। और कॉलम बी में हम देखते हैं कौन सा इसका सूटेबल वर्ड है जो इसके सामने लगेगा ताकि हमें कंपाउंड वर्ड मिल सके। तो वॉकिंग के सामने हमने लगाया स्टिक, STIC, स्टिक। वॉकिंग स्टिक हमारा कंपाउंड वर्ड बना, वॉकिंग स्टिक। दूसरा वर्ड फीचर, FEATURE, फीचर। फीचर कॉलम ए का वर्ड है और कॉलम बी में हमने देखा कि इसका सूटेबल वर्ड फिल्म है, यानी मिलके हमने ये वर्ड फीचर फिल्म बनाया। तो फीचर के लिए फिल्म, तो कंपाउंड वर्ड फीचर फिल्म। तीसरा वर्ड ब्लड, BLOOD ब्लड। तो इसका सूटेबल वर्ड जो कॉलम बी में है वो है प्रेशर, तो कंपाउंड वर्ड बना ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट कॉटन, COTTON कॉटन। कॉटन का कॉलम बी में हमारा सूटेबल वर्ड है रोल, ROLL रोल। तो हमारा कंपाउंड वर्ड बना कॉटन रोल, कॉटन रोल। तो कॉलम ए का नेक्स्ट फ्लावर, FLOWER फ्लावर। और कॉलम बी में जो सूटेबल वर्ड इसके लिए है वो है वेस, VASE वेस। सो द कंपाउंड वर्ड इज फ्लावर वेस। नेक्स्ट वाइल्ड, WILD वाइल्ड। और इसके लिए सूटेबल वर्ड जो कॉलम बी से हमने लिया वो है लाइफ, यानी कंपाउंड वर्ड हमारा बना वाइल्ड लाइफ। तो अब कॉलम ए का नेक्स्ट वर्ड बेड, BED बेड। तो इसका सूटेबल वर्ड रूम, तो जो हमारा कंपाउंड वर्ड बना वो है बेडरूम।
आई रिपीट, जो हमने कंपाउंड वर्ड्स कॉलम ए से को कॉलम बी के साथ जोड़ के हासिल किए वो ये हैं। पहला वर्ड हमने हासिल किया वॉकिंग स्टिक, दूसरा फीचर फिल्म, तीसरा ब्लड प्रेशर, चौथा कॉटन रोल, पांचवा फ्लावर वेस, छठा वाइल्ड लाइफ और सातवां बेडरूम। तो ये हमने कंपाउंड वर्ड्स हासिल किए कॉलम ए को कॉलम बी के साथ जोड़ के। तो फिर से हम रिपीट करेंगे, कॉलम कंपाउंड वर्ड हम किसे कहते हैं? कंपाउंड वर्ड हम उस लफ्ज को कहते हैं जब हम दो लफ्जों को आपस में जोड़ के एक नया लफ्ज पाए, उसको हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। जैसे हमने अंडर और ग्राउंड को जोड़ के अंडरग्राउंड हासिल किया, तो अंडरग्राउंड हमारा कंपाउंड वर्ड बना। इसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक से हमने एक सिमिलर क्वेश्चन लिया और वो है पेज नंबर 33 पे। तो सवाल हमसे पूछता है कि आप कॉलम ए को कॉलम ए के वर्ड्स को कॉलम बी के साथ जोड़ के एक सूटेबल एक परफेक्ट कंपाउंड वर्ड बनाओ। तो कॉलम ए के वर्ड जब हमने जोड़े तो वहां पे हमने कंपाउंड वर्ड्स बनाए। तो पहला वर्ड हमने बनाया वॉकिंग स्टिक, दूसरा वर्ड हमने बनाया फीचर फिल्म, तीसरा बनाया ब्लड प्रेशर, चौथा कॉटन रोल, पांचवा फ्लावर वेस, सिक्स्थ वाइल्ड लाइफ और सातवां बेडरूम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल विल मेंटेन योर फेयर कॉपीज। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।